बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपने कजन ब्रदर यानी कि बॉलीवुड की कैसिनोवा रणबीर कपूर की शादी आलिया भट्ट से कभी नहीं चाहती थी, ये राज खुला है अब। हाल ही में करिश्मा और सोनम के कन्वर्सेशन से जुड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। वेल, सही सुना आपने, बॉलीवुड की पहली स्टाइल आइकन के नाम से मशहूर रही सोनम कपूर की हम बात कर रहे हैं, जिनके साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया रणबीर ने। बॉयज शाम और वर्सटाइल एक्टिंग से हर किसी के बीच पहली ही फिल्म सावरिया से पॉपुलर हुए रणबीर ने 2007 में बॉलीवुड में कदम रखा और सोनम उनकी पहली को स्टार थी, जिनके साथ रणबीर की बॉन्डिंग और उनका केमिस्ट्री उनके परिवार वालों को भी काफ़ी रास आया था। बाद में रॉकस्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी, संजू जैसे फिल्मों की लिस्ट रणबीर की करियर में जुड़ी और अब एनिमल के सुपरस्टार रणबीर किस हद तक सुपरस्टार है सबको पता ही है। लेकिन अपने रोमांटिक रिलेशन के लिए कैसनोवा का टाइटल हासिल करने वाले रणबीर के बारे में करिश्मा कपूर ने एक बार कहा था, वो चाहती थी कि सोनम कपूर रणबीर की पत्नी बने। सोनम ने ये स्टेटमेंट दिया था, वो हमेशा से लोलो ही थी जो उनके बॉन्ड को देखकर चाहती थी और कहती थी कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में किस तरह से ये बात सामने आई थी। उन्होंने कहा था, आई फील लोलो हैज प्लग्ड दिस, करिश्मा कॉन्स्टेंटली वॉन्ट्स दैट, बट आई थिंक रणबीर एंड आई वेयर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, लाइक बेटर फ्रेंड्स। यानी कि जब सोनम का रणबीर करीब थे तब करिश्मा ने उन्हें शादी करते हुए देखना चाहा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। बाद में रणबीर का खो मजाक भी सोनम ने एक शो में बनाया था। नेक्स्ट 9 लाइव्स रिपोर्ट।